कई बार मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि उनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और बहुत बैड टेम्पर है उनका, और इसके वजह से फैमिली और फ्रेंड्स के आगे अपने आप को कम समझते हैं कि उनका अचानक से मूड स्विंग्स होने लगता है। तो किस तरह से ये सब चीज़ों को मैनेज किया जाए, ये सब चीज़ों से किस तरह से बाहर निकला जाए और एक हैप्पियर लाइफ अपनी बनाई जाए, इस इन सब मूड स्विंग से किस तरह से बाहर निकला जाए, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये कुछ टिप्स है वो शेयर करना चाहूँगी। आप छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपके मूड स्विंग्स इम्प्रूव होने लगेंगे और एक बैलेंस्ड और हैप्पियर लाइफ की ओर आप जाने लगोगे। जो हमारे मूड स्विंग्स है वो अक्सर हमारे इमोशंस से आते हैं, तो हमें अपनी इमोशंस को समझना चालू करना है। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस दे रही है, जो हमारे हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस स्टेट में होते हैं, तो अक्सर स्ट्रेस लेवल्स हमारे हाई हो जाते हैं। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो अगर हाई हमारे बॉडी में सेक्रीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रेस हाई हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जो ऐसे कौन से स्ट्रेसर्स हैं जो हमें आसपास हमारे हैं जिनके वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना चालू करना है, आइडेंटिफाई करना चालू करना है हमें आसपास अपनी चीज़ों को। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल होने लग जाएगा, हॉर्मोन्स बैलेंस होने लग जाएंगे, तो हमारी मूड स्विंग्स भी कंट्रोल रहेंगे, बैलेंस स्टेट में हम रहेंगे। अगर आप टीवी बहुत देखते हो या आप गेम्स बहुत खेलते हो सेलफोन पर या कंप्यूटर्स पर, तो ये हमें कम करना है। कई बार कुछ टीवी सीरियल्स ऐसे होते हैं जो हमें एंजाइटी और टेंशन में लेके जाते हैं, सब हमें छोड़ देना है, भले वो कितना ही इम्पोर्टेंट लगे आपको। ये सारी चीज़ें जो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस आपका बढ़ा रही है, ये सब चीज़ों को हमें छोड़ना है। इन सबसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो है, जो गेमिंग एक्टिविटी है, जो टेलीविज़न की एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी से कनेक्टेड होती है और हमारे ब्रेन में जो जो चीज़ें हो रही है उस पर इन सब का इफ़ेक्ट होता है। अगर आप ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं और ज़्यादा एडिक्शन है आपको गेम्स खेलने का, तो ये सब चीज़ें हमें छोड़ना चाहिए। इन सब से हमारा मूड पर इफ़ेक्ट होता है, हमारे इमोशंस पर इफ़ेक्ट होता है, तो ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या एक कंट्रोल्ड पोर्शंस रखना चाहिए ये सब चीज़ों का। जो दूसरा कारण है जिसके वजह से हमें मूड स्विंग्स होते हैं वो है हमारी नींद। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, एक नॉर्मल अडल्ट को 7 to 8 hours स्लीप चाहिए रेगुलरली। अगर आप नॉर्मल स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपको वो मेंटल अलर्टनेस नहीं रहेगा और पूरा दिन आप टायर्ड और एंग्जाइटी फील करोगे, स्ट्रेस लेवल्स भी हाई रहेंगे, मूड स्विंग्स होगा आपको। तो कोशिश करके आप स्लीप अपना ध्यान से ले और स्लीप कंप्लीट करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेगी, एक मेंटल अलर्टनेस नहीं रहेगा और इम्पेयर्ड मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हो और आप चीज़ों को भूलने लगते हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो हमें कोशिश करके अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप कहोगे आप वीकेंड पे अपना नींद कवर कर लोगे, पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिलता है, इस तरह से नहीं है। आपको कोशिश करके रेगुलरली अपनी नींद अच्छे से पूरी करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होने लग जाएगी और आपके मूड स्विंग्स भी कम होंगे। नेक्स्ट है, आपको किसी भी तरह का एक्टिविटी इंक्लूड करना चालू करना है अपनी लाइफ में, वॉकिंग एक्टिविटी, जिमिंग एक्टिविटी, किसी भी तरह का एक्टिविटी आपको अपनी लाइफ में हाफ एन आवर 1 hour तक टाइम निकल कर उसे इंक्लूड कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके मूड स्विंग्स कम होने लग जाएंगे, इससे ये जो एक्टिविटी है ये एक इम्प्रूवमेंट और वेलबींग वाला फीलिंग क्रिएट करता है हमारे अंदर, हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी कंट्रोल रहते हैं, हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह का स्पोर्ट, किसी भी तरह का फिटनेस रूटीन अगर हम अपने लाइफ में इम्प्रूव करना चालू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं। तो हमें किसी भी तरह का एक्टिविटी इंक्लूड करना चालू करना है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा डाइट। अगर हम कुछ स्ट्रेस बस्टर चीज़ें यूज़ करते हैं अपने डाइट में, जो फूड है जो डी स्ट्रेस करते हैं और हमारा मूड लिफ्ट करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली हमारा जो मूड है उसे अपलिफ्ट करता है और डी स्ट्रेस स्टेट में हमें लेकर जाता है। जितने ज़्यादा नेचुरल रॉ फूड्स है,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, तो कोशिश करके आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करें और जंक का क्वांटिटी कम रखिए। हम जैसे ही अपने डाइट में चेंजेस करना चालू करेंगे तो हमारा मूड अपलिफ्ट होने लगेगा। तो डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। योर फूड अफेक्ट्स योर मूड, हमारे मूड्स पर, हमारे स्ट्रेस पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो अपना डाइट में आपको चेंजेस करना चालू करना है तो ऑटोमेटिकली आपके मूड स्विंग्स कम होने लगेंगे और आपका मूड अपलिफ्ट होने लगेगा। तो ये थे टिप्स जो आपका मूड स्विंग्स कम करेंगे और आपको एक बैलेंस्ड और हैप्पी और हेल्दियर लाइफ की ओर लेकर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करेंगे और अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।